राम राम भैया, स्वागत तारा तारे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हब में। भैया, अपना जो राज्य का टॉपिक चल रहा है, राज्य के सीएम और गवर्नर, उसको आगे करते हैं हम। अगला राज्य है अपना आंध्र प्रदेश। यहाँ की जो राजधानी है हैदराबाद, पहले थी, अब क्या है, अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है, और जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, उसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। पहले दोनों की राजधानी हैदराबाद होती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गई है, अमरावती। यहाँ के आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है नरचंद्र बाबू नायडू, चंद्र बाबू नायडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है, सोलंकी लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा, सॉरी, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं, और इनकी फोटो है। दोस्तों, जो चंद्र बाबू नायडू की सरकार है, इसने जो अपना अमरावती है उसको जस्टिस सिटी, गेमिंग सिटी और यहाँ पे जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का बोला है। तो अमरावती को क्या बोलेंगे, जस्टिस सिटी और गेमिंग सिटी। दोस्तों, यहाँ का जो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल में ही एक जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक को अपना राजकीय पक्षी, राजकीय पशु घोषित किया है। ब्लैक बक को, काला तीतर, जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है, काला तित्तर, उसको राजकीय पशु इन्होंने घोषित किया है, ब्लैक बक को। और कथकली यहाँ की, कथकली यहाँ का नृत्य है, फेमस है आंध्र प्रदेश का नृत्य कथकली, बहुत ही फेमस है। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, सबसे अमीर सीएम हैं, अमीर, सबसे अमीर सीएम हैं भारत के, सबसे अमीर सीएम हैं, जिसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 177 करोड़, 177 करोड़, 177 करोड़ इनकी जो है प्रॉपर्टी है। और जो कौन सी टीडीपी पार्टी से संबंधित हैं ये, तेलंगाना में, इसमें तेलुगु देशम पार्टी। तो यहाँ के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, सबसे अमीर जो हैं सीएम हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और 25वां हाई कोर्ट बना है यहाँ पे, 25वां हाई कोर्ट कहाँ पे बना है, आपके आंध्र प्रदेश में। जो 25वां हाई कोर्ट बना है वो कहाँ पे बना है, आंध्र प्रदेश में। और जो भारत का कौन सा है, 100वां हाई कोर्ट है। देखो, एक जो कृष्णा नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है कौन, अमरावती। आंध्र प्रदेश जो है कृष्णा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा होता है यहाँ पे। एक गटूर गटूर नाम का शहर है, गटूर गटूर नाम के जो शहर में क्या है, सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है, किसमें, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो एक पोला पोला रमन नाम है, पोला रमन, इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है, पोला रमन को गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं हम अपना जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ की राजधानी है क्या है, ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके जो सीएम हैं पेमा खांडू, और यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है, यहाँ के गवर्नर बी डी मिश्रा। तो दोस्तों, याद करने के लिए देखो, अरुण अरुण से हम याद रख सकते हैं, खांडू अमीर, जो अरुण खांडू, और क्या पीता है, बीड़ी पीता है अरुण खांडू। खांडू खांड के समान मीठा, या फिर खांडू खांडू आप अपनी लैंग्वेज में कुछ यूज हो सकते हो, वो बीड़ी पीता है अरुण, क्या है वो, खांडू है। तो याद करने के लिए सिर्फ ये ट्रिक, और आप सीरियसली मत लें इसको। अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से जाना जाता है, नेफा नगर के नाम से किसको जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को। मेगा डैम है वो कहाँ पे है, अपने अरुणाचल प्रदेश में है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें लोहित नदी की नदी पर बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1750 मेगावाट, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। अनुपम खेर, जो कि एफ टी आई आई के चेयरमैन थे,
उसका जो दूसरा संस्करण हुआ है, दूसरा जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, वो दूसरा कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। और देखो जो अनुपम खेर थे उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है FTII के चेयरमैन से। अब जो विजेंद्र पाल सिंह या इसके FTII के नए चेयरमैन हैं, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड है, परशुराम कुंड लोहित नदी के किनारे, यहाँ पे नहाने से ये बोलते हैं कि जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और जो परशुराम जी हैं वो विष्णु जी के छठे अवतार माने गए हैं, तो आप ये ध्यान से याद रखें। आगे हम राज्य देखते हैं अपना असम। अपना राज्य असम है, असम में देखो इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है और यहाँ का नृत्य फेमस है, वो सत्रिया नृत्य है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य कहाँ पे है, असम में सत्रिया नृत्य। और यहाँ की जो ब्रांड मास्टर हैं हिमा दास अभी बहुत ही चर्चा में है। हिमा दास को डिग एक्सप्रेस भी बोला गया है। डिग एक्सप्रेस किसको कहा गया है, हिमा दास ब्रांड एम्बेसडर हैं कहाँ की, असम की। डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क यहाँ पे है। नेशनल पार्क कौन सा है, डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के समीप है और ये असम में है। देखो जो अपने मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, रंजन गगोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंजन गगोई अब अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये असम से बिलोंग करते हैं, रंजन गगोई। अब एक और बदलाव किया गया कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी सैलरी कितनी होगी, 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होगी, 2.80 लाख। और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी जो सैलरी होगी, 2.50 लाख। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ के सीएम के बारे में बताते हैं हम, एस सोनोवाल, सर्बनंदा सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और सर्बनंदा सोनोवाल यहाँ के क्या हैं, सीएम है। और इसके बारे में और बता देते हैं हम, गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो 100% सोलर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। इसरो का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी, जो है 100% सोलर ऊर्जा से चलेगा। दीपाली बोरठाकुर या कि असम की कोकिला नाम से जानी जाती है, दीपाली बोरठाकुर ये असम की कोकिला, जैसे अपने जो सरोजिनी नायडू हैं भारत को किला बोली गई हैं, इसी तरह असम को किला क्या बोली गई हैं, दीपाली बोरठाकुर। इनका निधन हो गया है फ्रेंड्स। वेदांगी कुलकर्णी नाम की एक महिला हैं, इन्होंने दुनिया का चक्कर साइकिल पर लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखो असम से बिलोंग तो नहीं करती लेकिन याद करने के लिए, दुनिया का पहला चक्कर साइकिल पर लगाने वाली जो कि महिला हैं, वेदांगी कुलकर्णी नाम से ये महिला है, इन्होंने साइकिल पे दुनिया का चक्कर लगाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं बिहार। बिहार के जो सीएम हैं वो हैं आपका, बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। और लालजी टंडन क्या है, यहाँ के गवर्नर। तो फ्रेंड्स बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनको तीस ना तीस ना तीस लगती, और वो लालजी नाम से क्यों जाने गए हैं, क्योंकि गुटखा खाते हैं। तो याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि बिहारी लोग बहुत मेहनत करते हैं, ना तीस लगती उनको और वो गुटखा खाते हैं, लालजी बोला गया उनको। तो जो नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार सीएम हैं, और इनके इनको मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार 2018 दिया गया है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है, नीतीश कुमार को। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, राजनीति में ईमानदारी के लिए, जो
पुरस्कार दिया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार 2018 किसको मिला है? नीतीश कुमार को। ई सिगरेट पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? बिहार। और शराब पर भी बैन लगा दिया गया है यहाँ पे। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में। देखो गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में। और पहली सस्ती एवं स्वस्थ पेयजल मुख्यमंत्री पेयजल जो योजना है वो कहाँ पे है? बिहार में चली है। और पेयजल उद्यान योजना कहाँ पे है? यहाँ पे। और मुख्यमंत्री कल्याण उद्यान योजना भी कहाँ पे है? मुख्यमंत्री कल्याण उद्यान योजना वो भी बिहार में, बिहार की सरकार ने चलाई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार के लिए, तो आप याद रखिएगा आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, RPF का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो अपनी। तो छत्तीसगढ़ अपना राज्य है नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है, और यहाँ के CM है भूपेश बघेल, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल, और भूपेश बघेल क्या है उनके CM हैं। तो महानदी विवाद चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? महानदी विवाद। और किस किस के बीच में चल रहा है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में किसका विवाद चल रहा है? महानदी विवाद। देखो रायपुर जो है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? अटल नगर। अटल नगर रायपुर का नाम क्या है नया? अटल नगर। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर से शुरू आयुष्मान योजना है, आयुष्मान भारत योजना है जो कहाँ से शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। और जो आयुष्मान योजना है इसमें मेडिकल जो खर्चा है गरीब जो BPL परिवार से हैं या फिर कोई भी बनवा सकता है जिसकी जो है गरीबी रेखा के नीचे आता है, और इसके लिए क्या 5 लाख तक का जो इलाज होगा वो मुफ्त में होगा। आयुष्मान भारत योजना इसका जो पहला जो आयुष्मान जो मेडिकल खोला गया वो पंजाब में खोला गया है। जो एक जो अपने यहाँ की पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? आसिफ सईद। और इमरान खान यहाँ के PM हैं, और आसिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस है ताहिरा सफदर नाम की महिला हैं, पहली महिला न्यायाधीश बनी है जो, याद रखिएगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं अपना जो राज्य है दिल्ली। दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दिल्ली अपनी कैपिटल भी है भारत की, और दिल्ली की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। यहाँ के CM अरविंद केजरीवाल, कौन नहीं जानता है इनको, सब जानते हैं। अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं, अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। तो अभी देखें हम जो दिल्ली की सरकार है, इन्होंने एक नर्सरी टू 8वीं कक्षा के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम चलाया हुआ है। यहाँ की जो सरकार है इन्होंने तीन मूर्ति चौक का नाम, नया नाम क्या कर दिया गया? तीन मूर्ति आईफा चौक कर दिया गया है, आईफा चौक कर दिया गया है। और देखो एक बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा नाम से एक मिशन चलाया गया है बुजुर्गों के लिए। मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी 70,000 बुजुर्गों को। मिशन बुनियाद भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। NCC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और PP मल्होत्रा नए न्यायाधीश हैं। किसके? NCC के। तो दोस्तों यहाँ से ही देखो दिल्ली वाराणसी से दिल्ली एक ट्रेन 18 चलाई जा रही, ट्रेन 18 बहुत इंपॉर्टेंट समय। ट्रेन 18 बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है और सुपर फास्ट है भारत की। अब सुपर फास्ट ट्रेन कौन बन गई है? ट्रेन 18। यहाँ न्यू दिल्ली में जो MSME का जो, देखो MSME की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। MSME
एमएसएमई भारत में सेकंड सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला फील्ड है वो बन गया है। और इसके जो मुख्य पर्सन है जो गिरिराज सिंह है, मुख्य इसके चीफ हैं जो गिरिराज सिंह हैं। और इसका एमएसएमई का जो सेकंड 2018 का जो सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। तो एमएसएमई का जो 2018 का सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ? वो न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पे स्पेशल चरखा मिशन चला गया, एमएसएमई स्पेशल चरखा मिशन एमएसएमई में चलाया गया है। और कुछ देखें तो अपन इसके बारे में, जो दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईजीआई क्या है? सबसे स्वस्थ एयरपोर्ट है, इंडिया का सबसे स्वस्थ एयरपोर्ट है। और यहाँ की दिल्ली मेट्रो जो है वो भी सबसे साफ है, सबसे स्वस्थ है, साफ है, क्लीन है। तो दिल्ली के लिए दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स दोबारा वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और जो अपने आरपीएफ का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। गोवा नेक्स्ट क्या है? गोवा यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के सीएम जो है मनोहर पारिकर हैं। और जो राज्यपाल हैं वो आपकी श्रीमती मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा है। देखो गोवा मनोहर 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 गोवा आपको पता बहुत ही अच्छा सिटी है जो जो सबके मन को मोहने वाला है। और सिन्हा नाम से तो सोनाक्षी सिन्हा याद आती है, वो है ही मनमोहक। तो गोवा को याद रखने के लिए मनोहर सिन्हा याद रख सकते हैं आप। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, गोवा सबसे छोटा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, 33% भूमि पे तो वृक्ष ही हैं। बड़ोतरा देखो तो जो अपना यहाँ की जो बास्केट और मैट जो बनते हैं यहाँ पे वो बहुत ही फेमस हैं। और जो मांडवी नदी विवाद है, मांडवी नदी विवाद वो चल रहा है गोवा और कर्नाटक के बीच में। मांडवी नदी विवाद किसके बीच में? कर्नाटक और गोवा के बीच में चल रहा है। ये जो विवाद है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप अलग से प्यूज करके दोबारा ज़रूर देखिएगा, हमने विवाद करवाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। महानदी विवाद गोवा और कर्नाटक के बीच में, और आप सॉरी मांडवी नदी विवाद था वो भी गोवा कर्नाटक के बीच में, और महानदी विवाद वो भी गोवा और कर्नाटक के बीच में। गोवा जो अपने गोवा है वो पहला कैशलेस शहर बना है, गोवा सबसे पहला कैशलेस शहर है। तो आप ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोवा में ही आपका सलीम अली पक्षी विहार है, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? गोवा में। तो आगे करते हैं हम गुजरात। गुजरात का नाम तो याद आते ही मोदी जी याद आते हैं जो कि यहाँ के पहले सीएम थे, और अब कौन है? अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर है, और यहाँ के सीएम कौन है? विजय भाई रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं ओपी ओम प्रकाश कोहली, ओम प्रकाश कोहली। तो याद रखने के लिए गुजरात का जो मोदी जी हैं विजय, विजय से याद रख सकते हैं हम। और उनका जो नमो का है, नमो ओम, ओम और नमो मिलते जुलते हैं तो आप याद रख सकते हैं। गुजरात के जो बड़ोदरा शहर में रेलवे स्टेशन, रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। बड़ोदरा में क्या बनाई जा रही है? यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है रेलवे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साबरमती घाट का नाम बदल के अटल घाट कर दिया गया है, साबरमती घाट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल घाट। अहमदाबाद, अहमदाबाद बहुत ही फेमस है। यहाँ पे पतंग, अहमदाबाद में क्या मनाया गया? पतंग महोत्सव मनाया गया है। पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? अहमदाबाद गुजरात में। सबसे बड़ा गैस क्रैकर रिफाइनरी बन रही है सौराष्ट्र में, कौन बना रहा है? मुकेश अंबानी जी बना रहे हैं जो कि रिलायंस के चीफ हैं, मुखिया हैं। और अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है जो कि क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है कहाँ पे? अहमदाबाद में। 100% सोलर पावर से चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है? सूरत में। 100% सोलर पावर से चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है? सूरत में। याद रखिएगा, 100% सोलर पावर से चलने वाले रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शहर और ये क्या है, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र है। तो 10% आरक्षण, देखो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाएगी, 10% आरक्षण दिया जाएगा सेंटर की जॉब में, सबको दिया जाएगा जो कि जनरल कास्ट से हैं, किसी से भी हैं, जो कि थोड़ा सा निर्धन घर से हैं उनको दिया जाएगा। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? गुजरात। सूर्य शक्ति किसान योजना गुजरात से चलाई जा रही है। आई क्रिएटर सेंटर भी कहाँ पे है? गुजरात में है। सबसे बड़ा, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिकेट के लिए, 2018 की जो क्रिकेट, जो चाहे कौन सा भी हो, जो आईपीएल हो, टेस्ट हो, वनडे हो, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं किसने लिए हैं? जसप्रीत बुमराह, बुमराह नाम से हैं, जसप्रीत बुमराह नाम से हैं। तो ये कहाँ से हैं? गुजरात से। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अपना है वो है हरियाणा। हरियाणा शहर का नाम सुनते ही हरियाली ध्यान में आती है, अपना हरियाणा। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या। जो अपना हरियाणा है बहुत ही फेमस है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ बहुत ही फेमस है। यहाँ पे रॉक गार्डन है, यहाँ पे देखने लायक बहुत सी जो है जगह है। इससे नीचे अपना पंचकुला आ जाता है, पंचकुला में मॉर्निंग हिल्स है, बहुत ही फेमस है। हरियाणा के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो यहाँ पे गुड़गांव नाम से एक शहर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में, कहाँ पे हुआ? ये गुड़गांव में हुआ। और हरियाणा की जो सेवन जो पंचायतें हैं उनको सेवन स्टार पंचायत रेनबो मिशन चलाया गया है। किस में चलाया गया? हरियाणा में, सेवन स्टार पंचायत रेनबो मिशन। और यहाँ जो जीएसटी लगा था, जीएसटी सबसे ज़्यादा जीएसटी कहाँ से कलेक्ट हुआ है? हरियाणा से कलेक्ट हुआ है। हरियाणा ने पौधागिरी नाम से एक योजना चलाई गई है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। और आपका जो हाई प्रेगनेंसी पोर्टल है वो भी कहाँ से कहाँ? वो भी आपके हरियाणा में ही लागू किया गया है। गोबर धन योजना करनाल से चलाई गई है। और देखो जीरो बजट नेचुरल खेती कहाँ पे की जा रही है? हरियाणा में। जीरो बजट नेचुरल खेती कहाँ पे की जा रही है? आपके हरियाणा में। प्लास्टिक मॉडलिंग जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे? करनाल में है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी? सोनीपत में। कहाँ पे बनेगी? सोनीपत, जो कि हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बाल संरक्षण और संस्थान जगन्नाथ आश्रम ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में। और देखो जो अपनी हॉकी की टीम है उसकी जो कैप्टन है वो रानी रामपाल, जो हॉकी महिला टीम की कैप्टन है वो कहाँ से हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और जो पुरुष की कैप्टन है हॉकी टीम की वो कौन है? मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह यहाँ के पुरुष टीम हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो ये हरियाणा के लिए था इम्पोर्टेंट, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें, याद रखिएगा इनको। आगे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, और आचार्य देवव्रत कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, तो ऊपर है तो यहाँ ऊपर जयराम, राम जी हैं ऊपर, उनका व्रत रखते हैं, तो ये याद रख सकते हैं सीएम और गवर्नर। हिमाचल प्रदेश में मेधा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। और प्लास्टिक सबसे पहले बैन किया गया हिमाचल प्रदेश में। आपका जो प्लास्टिक बैन हुआ है कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। गृह मंत्री ने 112 नंबर डायल लॉन्च किया, कहाँ से किया है? हिमाचल प्रदेश से। जो 112 नंबर किया है,
पहले जो एक तो महिलाओं के लिए जो पुलिस के लिए 100 नंबर होता था, 102 नंबर होता था, अलग अलग नंबर थे, अब 112 पे सब सब चीज़ लागू आपको मिलेंगी। 112 नंबर, 112 नंबर कहाँ की सरकार ने पहले लागू किया है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया है, ये भी कहाँ पे बनाया गया है? आपका एचपी में, हिमाचल प्रदेश में देश का पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपके हमारे राज्य से वीडियो लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कर देंगे सीएम और गवर्नर को। तो आप इसको ध्यान से देखें, जो रेलवे का रेलवे पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो, और इसको पढ़ के जाओगे तो आप बहुत खुश होगे और गुणगान करोगे हमारा। तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला करंट अफेयर का, तो आप इसको ज़रूर देखें। और राम राम भाइयों, आपका धन्यवाद।